दिन बेदियन की कुल दिखा प्रगटे नाम कराए सब सिख को सुख दए यह तह पै सहाय अली गोई तन गुरु नानक साहब जी दे मुबारक चरण पैन करके सात संग जी जिस पावन स्थान ते आपां दर्शन कर रहे हां ये पावन स्थान गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब है। तन तन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज साहब जी जिस वेले वेही नदी विच प्रवेश करन तो बाद महाराज साहब जी तीसरे दिन इस पावन स्थान ते बाणी समेत गुरियाई दा सिर पाउ लै करके प्रगट होए। ये पावन स्थान मूल मंत्र स्थान है गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब। इस स्थान ते कितों भी कोई किसी तरह की कोई आवाज कोई शोर शराबा नहीं कि महाराज साहब दा बहुत ही रमणीक स्थान है। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ सिख धर्म दे बाणी साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन काल दे नाल बहुत सारियां किस्से अते कहानियां जुड़ियां होईयां ने। अज इसे तरह ही मैं एक मुकद्दस स्थान दे उते मौजूद हाँ जिसका कि गुरु साहिब दे जीवन दे नाल बहुत ही गहरा संबंध है। इसे ही स्थान दे उते साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का सब तो लम्मा समा बतीत किया और इत्थे ही उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण भी किया। उस स्थान दीआं तुहाडे नाल तस्वीरां सांझीआं कर रहे हैं। गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब एक इतिहासिक स्थान है और इस स्थान दे नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन का बहुत ही गहरा संबंध है। हालांकि दसिया जाता है कि जो असी बचपन दे विच सी तां उदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन दे नाल जुड़िया एक लेख जरूर सानू आता सी। उस लेख दे विच जरूर असी ये पढ़ते सी कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी काली वई दे कंडे जाके रोज़ उत्थे इशनान करिया करदे सी। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁੱਲ ਦਿਖਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ ਜਹ ਤਹ ਭਇ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਾ ਪਛਾਣਨ ਹੋਆ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਖਲੋਆ। ਜੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਪਹਿਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇਖਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਿਆਈ ਵਾਜਹ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ
बाणी समेत गुरियाई दा सिर पाउ लै करके प्रगट होए। ये पावन स्थान मूल मंत्र स्थान है गुरुद्वारा श्री संत काठ साहिब। सात संगत जी, धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज साहब जी का, यह बहुत ही महान पावन स्थान है जिस स्थान ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन गुरु नानक साहब महाराज साहब जी अकाल पुरख वाहिगुरु पासों बाणी समेत गुरियाई दा सिर पाउ लै करके प्रगट होए। धन महाराज साहब जी का पावन अवतार गुरपुरब 554 सिख संगत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जाहो जलाल दे नाल मनाया जा रहा है। इस स्थान ते तो 26 तरीक नू पावन नगर कीर्तन आरंभ होना है। ये बहुत ही महान रमणीक भगती वाला स्थान है सात संगत जी। इस स्थान ते कितों भी कोई किसी तरह की कोई आवाज़ कोई शोर शराबा नहीं कि महाराज साहब जी का बहुत ही रमणीक स्थान है। धन गुरु नानक साहब महाराज साहब जी ने इस स्थान पर बहुत महान वड्डिया बख्शा कीतियां हन। आप जी भागा वाले हो महाराज साहब जी के पावन स्थान पर दर्शन करके लाही प्राप्त कर रहे हो। सो सारिया संगतों का धन्यवाद जी आया नू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल जिमें दसिया है ग्रंथ सिंह जी वालों के बड़ा ही पाक ते पवित्र स्थान है। जदों भी संगत इतने आदियां ने चाहे उन्हों कोई भी मन दछाव होंगे ने तो इतने आते हैं अरदास करते हैं तो उम्मीद भी उन्होंने यही होंगी है कि वाहेगुरु जी उन्होंने अजि कृपा बना के रखन उन्हों का आशीर्वाद उन्होंने हर वे प्राप्त हो सके। संगत ने मेरे न इस वक्त बई जी कहोजा महसूस करते हो क्योंकि मेरे ख्याल इतों के ही हो और रोज़ ही आते होवोंगे तो कहोजा महसूस होंगे तुम्हें इतना। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का पावन पवित्र अस्थान गुरद्वारा संत काठ साहिब। ये वो पावन पवित्र अस्थान है जिथे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सुल्तानपुर लोधी के गुरद्वारा बेर साहिब की जो बेक साइड से वेई नदी है ना उस वेई नदी के जो चुंबी लगाई सी ते इस स्थान पर तीसरे दिन आ के गुरु नानक देव महाराज जी प्रगट हुए सन। बहुत सुल्तानपुर लोधी के लोगों ने रौला पाता कि नानक डुब गया नानक डुब गया नानक डुब गया परंतु गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी भैन सी बेबे नानकी उसनू पता सी कि मेरा जिहड़ा वीर है वह डुब्या नू तारन वास्ते आया ना कि डुबण वास्ते आया है। गुरु नानक पातशाह की पहली सिख भी बेबे नानकी हुई है जिन्हें पछाण की मेरा वीर परमात्मा का रूप है। जो गुरु नानक पातशाह इस पावन पवित्र स्थान के उत्ते एक ओंकार का उपदेश लैके प्रगट होए ना उस टाइम ते इत्थे इसे करके इस पावन पवित्र स्थान का ना मूल मंत्र स्थान के वजों प्रगट भी होया है। इस स्थान पर हुण बाबा जी वालों जिहड़ा कि एक अजूबा भी तैयार किया जा रहा जो इस दे बैक साइड ते है। बहुत रमणीक स्थान है सिखी दे धुरे वजो जाणिया जांदा है स्थान है जी। बड़ी शांति है बहुत वधिया माहौल है इत्थे नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शांतमई माहौल नूं सिरजदे देखदे होए इस स्थान दे उत्ते अपना एक कॉलेज भी जिहड़ा वो नाल चलाया जा रहा है। बड़ी शांति वाली जगह है। उम्मीद करते हैं कोशिश करते रहेंगे कि गुरु साहिबान के जीवन के नाल जुड़िया होर किस्से ते कहानियां और धार्मिक स्थानों के इतिहास तो तुहानू जाणू करवाया जाए और गुरु साहिबान का आशीर्वाद तुहाडे ते इसे तरह ही बनिया रहे। कैमरा परसन वरुण शर्मा के नाल चंद्रमढ़िया जगबाणी टीवी सुल्तानपुर लोधी।